उन्होंने कहा या तो अब मैं इस बाण से, ये जो आप अपनी इच्छा शक्ति से कहीं पर भी आ जा सकते हैं, या तो मैं इस बाण से उस शक्ति का नाश करूं, और या अब तक आपने जीवन में जितने भी पुण्य अर्जित करे हैं अपने तप बल से, उनको मैं नष्ट करूं। परशुराम ने राम से कहा कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है, उद्दंडता करी है, और इसका दंड तुम्हें अब भोगना पड़ेगा यदि ये सत्य है तो। वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। राम का अपने भाइयों के साथ विवाह का प्रसंग संपन्न हो चुका है और बारात मिथिला से अयोध्या की ओर प्रस्थान बस करने ही वाली है। महाराज जनक ने महाराज दशरथ का अभिनंदन करा, बारात मिथिला की सीमा तक पहुंच गई, वहां तक पूरा मिथिला नगर उनको विदा देने के लिए पहुंचा। ये लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ने ही वाले थे पूरे हर्षोल्लास के साथ, तभी वहां पर एक अजीब विचित्र सी ध्वनि आना शुरू हो गई। धूल का एक धुआं दिखाई देने लगा और तरह तरह के अपशकुन भी होने लगे। थोड़े समय में ही इस रहस्य पे से पर्दा हट गया और सबने देखा जमदग्नि नंदन परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए उनकी दिशा में चले आ रहे हैं। उनके हाथ में उनका परसा है जिससे उन्होंने अनेकों बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, अंग अंग उनका क्रोध से भरा हुआ था और वो उसी दिशा में आ रहे थे जिस दिशा में ये बारात खड़ी हुई थी। भय के मारे सब लोग थर थर कांपने लगे कि न जाने अब परशुराम के मन में क्या आ गया है, क्या फिर से उन्होंने प्रण कर लिया है कि क्षत्रियों का नाश करना है उनको दोबारा एक बार फिर से। महाराजा दशरथ ने मन ही मन विचार किया कि ऐसा तो अब ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब परशुराम जी ने पूर्व में क्षत्रियों से इस पृथ्वी को रहित कर दिया था, जब पृथ्वी के स्वामी हो गए थे वो, उन्होंने सब कुछ त्याग करके महेंद्र पर्वत पर जाने का प्रण कर लिया था, जो कुछ भी उन्होंने अर्जित करा था अभी तक वो सब कुछ उन्होंने कश्यप ऋषि को दान कर दिया था और वो महेंद्र पर्वत चले गए, तो अब दोबारा ये महेंद्र पर्वत से क्यों आ गए हैं? अपने प्रण को तो झूठा कर नहीं सकते परशुराम। तो उनके मन में बड़ा विस्मय था कि ये किस कारणवश यहां पर आए हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन करा परशुराम जी के समक्ष। जनक जी ने भी उनके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करा कि उनके क्रोध का कारण क्या है परशुराम जी के, और वो किस कारणवश इस रूप में वहां पर उपस्थित हुए हैं इतने शुभ अवसर पर। वो भी परशुराम जी ने उन दोनों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनको अनदेखा करा और सीधे राम के पास पहुंचे। परशुराम ने राम से कहा कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है, उद्दंडता करी है, और इसका दंड तुम्हें अब भोगना पड़ेगा यदि ये सत्य है तो तुम मुझे बताओ साफ साफ कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं, क्योंकि उस शिव का धनुष तो कोई हिलाने में भी सक्षम नहीं है, तो ये मेरा मन मानने को तैयार नहीं है कि तुमने उसको तोड़ दिया। एक साधारण पुरुष कैसे उस धनुष को तोड़ सकता है, मेरा मन इस बात को अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। राम अपनी मर्यादा के चलते कुछ उनसे कह नहीं रहे थे, क्योंकि राम के समक्ष उनके बड़े बुजुर्ग महाराज दशरथ, जनक, वशिष्ठ मुनि ये सब उपस्थित थे, तो वो कुछ कहना नहीं चाहते थे। परंतु परशुराम जी के बार बार उकसाने पर अंततः राम ने उनसे निवेदन करना आरंभ करा। बड़े सौम्य स्वर में पूरी इज्जत के साथ उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम करा और उनसे कहा ये सत्य है कि शिव का धनुष मेरे ही हाथों टूटा है, परंतु मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था उसको तोड़ने का, मैं तो सिर्फ उसको उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था और ऐसा करने में वो अपने आप ही अनायास ही टूट गया, इसमें किसी का कोई अपमान नहीं है।
परशुराम जी को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे कि इतना शक्तिशाली, इतना अद्भुत वो शिव का धनुष कोई साधारण मनुष्य कैसे तोड़ सकता है। परशुराम जी के हाथ में भी एक धनुष था। उन्होंने बताया कि पूर्व काल में अपनी तरह के सिर्फ दो ही धनुष बने थे। एक धनुष तो वो था जो शिव का धनुष, जिसको राम ने तोड़ दिया, और दूसरा वो धनुष जो उसके एकदम समकक्ष था, एकदम वैसा ही था, वो इस समय परशुराम जी के हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सच है कि तुमने उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तो तुम इस धनुष को भी लो और इस पे भी प्रत्यंचा चढ़ा के मुझे दिखाओ, इस पे बाण का संधान करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई विलक्षण गुण है। बड़े ही क्रोध में थे परशुराम जी। राम ने आदरपूर्वक इस बात को स्वीकार करा, इस चुनौती को स्वीकार करा। परशुराम जी के हाथ से उस धनुष को उन्होंने अपने हाथ में लिया और उतने ही स्वाभाविक रूप से उस पर भी प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर बाण का संधान करा। परशुराम जी ये देख करके चकित रह गए। अब जाकर के उन्होंने ये जाना कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु ये अवश्य ही एक दिव्य पुरुष हैं, और इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाना या शिव के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा करके उसको तोड़ देना किसी और के लिए संभव नहीं हो सकता, तो हो ना हो अवश्य राम नारायण ही हैं, उन्हीं का अवतार है। उन्होंने राम से क्षमा याचना करी, उनसे करबद्ध निवेदन करा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि उन्होंने आक्षेप लगाए राम के ऊपर, उनको भला बुरा खरी खोटी सुनाई। लेकिन राम ने कहा, मुनिवर मैं आपको क्षमा करने योग्य तो नहीं हूं, आप मुझसे हर तरह से, हर लिहाज में मुझसे बड़े हैं, परंतु अब एक समस्या है। वो समस्या ये है कि मैंने अब इस धनुष पे इस बाण का संधान कर लिया है, और अब मुझे इसको कहीं ना कहीं आपके ऊपर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये खाली नहीं जा सकता, ये बड़ा ही दिव्य धनुष है, दिव्य बाण है, ये खाली नहीं जा सकता, तो आप बताइए अब मैं क्या करूं। दो चीजें उन्होंने परशुराम जी के सामने प्रस्तुत करी। उन्होंने कहा, या तो अब मैं इस बाण से, ये जो आप अपनी इच्छा शक्ति से कहीं पर भी आ जा सकते हैं, या तो मैं इस बाण से उस शक्ति का नाश करूं, और या अब तक आपने जीवन में जितने भी पुण्य अर्जित करे हैं अपने तप बल से, उनको मैं नष्ट करूं, तो अब आप ही मुझे बता दें कि मैं इन दो में से इस बाण के द्वारा किस को नष्ट करूं। परशुराम जी ने हाथ जोड़ करके राम से निवेदन करा, अपनी इच्छा शक्ति से कहीं आने जाने का जो उनके पास एक वरदान प्राप्त है, उसको वो रहने दें, क्योंकि वो वापस फिर जा नहीं पाएंगे महेंद्र पर्वत जहां वो जाना चाहते हैं इस कृत्य के बाद में, तो उसको वो रहने दें। हाँ, अब वो समझ सकते हैं इस बात को कि अब इस बाण को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, इसको किसी न किसी लक्ष्य को तो भेदना ही पड़ेगा, तो उनके जीवन में जितने भी पुण्य उन्होंने अर्जित करे थे अपने तप बल से, वो खुशी खुशी उसका त्याग करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने राम से विनय करी कि अपने बाण से वो उनके तप बल को नष्ट कर दें। राम ने वैसा ही करा, उस बाण का संधान जो कर चुके थे उसको छोड़ा उन्होंने, और परशुराम जी का सारा पुण्य नष्ट हो गया। इसको उन्होंने, परशुराम जी ने सहर्ष स्वीकार करा, आशीर्वाद समझ के, वरदान समझ करके नारायण का, और राम को, लक्ष्मण को, सबको आशीर्वाद दे करके वहां से वो महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। अब यहां पर फिर से एक बार ऐसा शायद संदेह उठेगा आप सबके मन में, क्योंकि आम तौर पर जो आपने इस प्रसंग के बारे में सुन रखा है वो कुछ इससे अलग है, इससे भिन्न है, तो फिर से मुझे ये दोहराना पड़ेगा कि हम लोग यहां पर वाल्मीकि रामायण को ही अपना स्रोत मान करके इस कथा को आप तक पहुंचा रहे हैं, और उसमें ऐसा ही प्रसंग है। मानस में प्रसंग था जहां पर राम और परशुराम का जो संवाद होता है, उसमें लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू कर देते हैं,
और परशुराम लक्ष्मण पर कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और राम को उनका बीच बचाव करना पड़ता है। ये रामचरितमानस में प्रसंग ऐसा है, परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। इसके बाद आगे कुछ भी अपशकुन नहीं हुआ, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। ये बारात मिथिला से आनंदपूर्वक आराम से अयोध्या नगरी पहुंची, जहां पर एक विशेष स्वागत हुआ इन सब का। महाराज दशरथ की तीनों रानियों ने अगवानी करी अपनी नववधुओं की, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी सब ने अपने अपने पुत्रों को, अपनी अपनी नव पुत्र वधुओं को आशीर्वाद दिया, उनको प्रेम पूर्वक अपने अपने महलों में लेकर के गई। जो भी रीत रिवाज विधि विधान होते हैं बारात के वापस आने के, वो सब हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुए। इसके बाद सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मांडवी उर्मिला श्रुतकीर्ति दशरथ उनकी तीनों रानियां सब लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात भरत के मामा यानी कैकेयी के भाई वहां पर पहले से थे, उन्होंने दशरथ से निवेदन करा कि क्या वो भरत को, जो उनके भांजे थे, उनको अपने देश ले जा सकते हैं अपने पिता से मिलवाने के लिए, यानी भरत के नाना, जिसको सहर्ष स्वीकार करा दशरथ ने और उन्होंने अनुमति दी, आज्ञा दी भरत को कि वो अपने ननिहाल जाएं, अपने नाना से मिलें, अपने मामा के साथ जाएं। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के साथ निकल पड़े अपने ननिहाल जाने के लिए। और यहाँ पर पीछे सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था। इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण का बालकांड संपन्न होता है। अगले प्रसंग में हम अयोध्या कांड के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप सब हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।